डांसर. वेल गाइस, आई एम अ डिस्को डांसर. ये गाना सुनते ही आपके दिमाग में मिथुन चक्रवर्ती के डांसिंग मूव्स आ जाते होंगे, दैट्स फॉर श्योर. मतलब मिथुन दा ने जो स्टेज हिलाया इस गाने में, उसके क्या ही कहने. और उनका सिंबॉलिक स्टेप आज भी बारात में लोग कॉपी करते हैं. मतलब अपने फिल्मी सफर में मिथुन दा ने कई ऐसे कारनामे कर दिए हैं जो आज भी तरोताजा हैं और हमेशा जिंदा रहने वाले हैं. जब जब ये गाना बजाया जाएगा, मिथुन दा का स्टेप कॉपी किया जाएगा. आज इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें करने वाले हैं. मैं आपके साथ हूं मेघा, और लेकर मिथुन दा की निजी जिंदगी से जुड़ी कई खास बातें हमारे खास प्रोग्राम में एक बार फिर से हाजिर हूं. मिथुन दा का नाम जहन में आते ही कई सिनेमा उनके आपको याद आ जाते होंगे, कई फिल्में उनकी आपको याद आ जाती होंगी, उनका ग्रैंड सैल्यूट जो वो डांस इंडिया डांस के मंच पर देते आए हैं वो आपको याद आ जाता होगा. लेकिन कभी सोचा है आपने, जिस एक्टर ने फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, जिस अभिनेता ने फिल्मी दुनिया में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ, उनकी निजी जिंदगी भी कितने रहस्यों से भरी रही है, उनकी निजी जिंदगी में कितनी परेशानियां रही हैं. मिथुन दा की 3 शादियां जिनके बारे में आज भी लोग शायद ही जानते होंगे. मिथुन चक्रवर्ती की 3 शादियां जिसके सच से शायद ही आप रूबरू होंगे. जितना बड़ा नाम उतने ही विवाद, उतने ही इल्जाम और उतने ही रिश्ते. कुछ ऐसी ही रही है मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी, कुछ ऐसा ही रहा है निजी जिंदगी में उनका मिजाज. आसान नहीं रहा उनके लिए शादियों वाला किस्सा, आसान नहीं है लाइफ पार्टनर के साथ मिथुन चक्रवर्ती का हिस्सा. कई परेशानियां रही, शादी, शादी के बाद तलाक, तलाक के बाद शादी, शादी टूटने के पीछे की वजह, कई और ऐसे खुलासे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे. एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है तस्वीरों के साथ मिथुन चक्रवर्ती की 3 शादियों के खुलासों से, आपको कराएंगे रूबरू. देखिए जरा. आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती पर बात करने वाले हैं. मिथुन चक्रवर्ती आज की तारीख में किसी पहचान के मोहताज नहीं है. मिथुन दा जितना ज्यादा अपनी एक्टिंग को लेकर चर्चा में रहे, जितनी ज्यादा सुर्खियां उन्होंने अपने अभिनय की वजह से बटोरी हैं, हैरानी होगी आपको जानकर मिथुन चक्रवर्ती को चर्चा में उनके लव अफेयर्स भी लाए हैं. और आज हम आपसे उनके इन्हीं लव अफेयर्स पर बात करेंगे. मिथुन दा की निजी जिंदगी पर हम आपसे चर्चा करेंगे. हम आपको बताएंगे मिथुन दा की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बीवियों के बारे में जो शायद आज से पहले आपने सुनी नहीं होंगी. मिथुन चक्रवर्ती की निजी जिंदगी रहस्यों से भरी रही है, उनकी पहली शादी को लेकर, दूसरी शादी को लेकर और तीसरी शादी को लेकर खूब सारे विवाद हैं जो समय समय पर जोर पकड़ते रहे हैं. गौर हो कि मिथुन दा ने सबसे पहले शादी की हेलिना लेउक से. 70 के दशक में हेलिना फैशन वर्ल्ड का जाना माना नाम थी. अपने स्टाइल स्टेटमेंट्स के जरिए वो हर जगह छाई रहती थी. फिल्मों में साइड रोल के तौर पर वो नजर भी आई है. हेलिना से मिथुन दा ने शादी की. हालांकि उनसे शादी करने से पहले भी मिथुन दा का अफेयर चल रहा था सारिका ठाकुर से. सारिका ठाकुर से रिश्ता खत्म करके मिथुन दा ने हेलिना से शादी की. मिथुन और हेलिना दोनों ही प्यार में धोखा खाए हुए थे. दोनों ने एक दूजे को सहारा दिया, एक दूजे को हौसला दिया और एक दूजे के साथ शादी के बंधन में बंध गए. इनकी शादी को लेकर एक खास बात आपको बताएं. इंटरव्यू हो रहा था हेलिना का, जिसमें उन्होंने कहा था, मिथुन सुबह 6 बजे से लेकर रात में सोने तक मुझे शादी के लिए मनाया करते थे. वो हर दिन मुझसे मिलते थे,
आखिरकार उन्होंने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। फिर बिना किसी को बताए हम दोनों ने शादी कर ली। बता दे आपको, शादी के वक्त हेलीना की उम्र सिर्फ 21 साल थी। मिथुन और हेलीना दोनों का प्यार परवान चढ़ा, दोनों ने शादी की, लेकिन ये शादी सिर्फ 4 महीने चल पाई। जी हाँ, 4 महीने बाद मिथुन दा का तलाक हो गया। शादी टूटने की वजह मिथुन का योगिता के साथ अफेयर बताया गया, जिसका खुलासा खुद हेलीना ने किया। उन्होंने बताया कि मिथुन एक घर में अपने 2 कजन और 2 कुत्तों के साथ रहते थे। शादी के बाद मैं भी वहीं रह रही थी। मिथुन के दोनों कजन उनका पैसा खर्च करते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने जब मिथुन से उनके कजन को अलग करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वो जाना चाहती हैं तो चली जाए, लेकिन उनके कजन कहीं नहीं जाएंगी। शादी के बाद हेलीना परेशान हो गई। बाद में हेलीना ने मिथुन से शादी की बात मीडिया के सामने बोल दी। मिथुन ने इससे इनकार किया। जल्द दोनों का तलाक हुआ। हेलीना ने दावा किया कि मिथुन दा ने उन्हें 10 रुपए तक नहीं दिए। तलाक के बाद हेलीना ने बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपने पहले पति मिथुन दा को दिखाना चाहती थी कि वो भी एक एक्ट्रेस बन सकती हैं। हालांकि वो सफल नहीं हो पाई। आजकल हेलीना कहाँ है? दावा किया जाता है कि वो न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई है, डेल्टा एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट का काम करती है। अब बात करते हैं मिथुन दा की दूसरी शादी पर। मिथुन दा ने दूसरी शादी योगिता बाली से की। योगिता किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी, लेकिन शादी के सिर्फ 2 साल बाद दोनों अलग हो गए, जिसकी वजह थे मिथुन चक्रवर्ती। कहा जाता है कि योगिता का अफेयर मिथुन दा के साथ चल रहा था। योगिता से शादी करने के बाद मिथुन दा का अफेयर हालांकि श्रीदेवी के साथ चला। श्रीदेवी के साथ भी मिथुन चक्रवर्ती की शादी की खबरें छपी हैं, ये बात हर कोई जानता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इनके गुपचुप शादी को लेकर भी कई किस्से मशहूर हैं। हालांकि इन किस्सों की सच्चाई पर आज तक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। मिथुन चक्रवर्ती, अपनी जिंदगी में उन्होंने काफी सारी तकलीफें सही हैं, तब जाकर एक मुकाम हासिल किया, और जैसे जैसे कामयाबी की बुलंदियों को वो छूते गए, वैसे वैसे उनकी निजी जिंदगी में इस तरह के भूचाल आते गए, जिससे जुड़ी तमाम जानकारियां हमने आपको इस खास रिपोर्ट में दी। अगर आप भी अपने किसी पसंदीदा सितारे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अगर आप भी अपने किसी पसंदीदा सितारे की जिंदगी से जुड़ी खास बातें जानना चाहते हैं, तो उस सितारे का नाम नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं।